Rafoo Chakkar, 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 Chakkar. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है मिस महाराष्ट्र कंपटीशन लुक ऑफ द ईयर के लिए। अरे आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज के हमारे खास मेहमान हैं बिजनेस टाइकून मिस्टर हरबंस, इनके लिए जोरदार तालियां। आज सौहार्दी कर दी तुम दोनों ने, लड़की बनकर लड़कियों को छेड़ रहे थे, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो शुरू शुरू में आई थी पापा, फिर हमें लगा कि यू नो अब हम बड़े हो गए, कब तक बच्चों की तरह शर्माते रहेंगे। राइट भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं इतने बड़े बच्चों पे? तुम बीच में मत बोलो। शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। मेरा कहना मानिए तो इन दोनों के नाक में नकेल डलवा दीजिए। आप लोग हमें देखने आए हैं ना? हाँ बेटा। आप लोग ये देखने आए हैं ना कि हम लोग आपके इन बेटों के लायक हैं भी या नहीं? हाय। ये 50वां रिश्ता है जो तुम दोनों ने बगाया है। तो डैड आपको तो खुश होना चाहिए, आज आपके बच्चों ने हाफ सेंचुरी मारी है डैडी। लड़कियां वाकई खूबसूरत हैं। क्यों संध्या? हाँ। तुम्हारी क्या राय है? हैं तो बहुत ही सुंदर भाई साहब। अगर पसंद हो तो बात करूं विपिन पटेल साहब से। विपिन पटेल? कौन विपिन पटेल? कहीं वो बड़ोड़ा वाले तो नहीं जिनकी साड़ियों की फैक्ट्री? हाँ वही तो। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं भाई। अरे मेरा चश्मा। अरे पंडित जी आप यहाँ क्या हुआ? अरे आपकी दोनों बेटियां भाग गई। कैसे भाग गई? कहाँ भाग गई? क्यों भाग गई? अरे मुझे क्या पता। जाइए पकड़िए ना उन्हें। यार पप्पू, जब पापा को ये पता चलेगा कि हम लोग घर से 5 लाख रुपए लेकर भागे तो वो क्या सोचेंगे? यार वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने 5 लाख के जगह तिजोरी में 500 रुपए किने रखे। बेचारा पंडित। पप्पू बेब्स, यार बेब्स। कल किसने देखा है जीलो, आज इस पल में खोके खुल के नाच लो गाओ, कोई तुमको न रोके। कपड़े लगेज सब गया, सब गया। अब होटल का बिल कौन भरेगा? क्या कर रही है तू? अरे पुलिस का फोन लगा रही हूँ। आगे दोगी क्या? पापा को पता चल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? सारा सामान चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, कहाँ जाएंगे? मुझे भी नहीं पता। अभी हाथ पकड़, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। जुली मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये भी हो सकता है कि हमारे कमरे में चोरी इन दोनों ने की हो। होल्ड इट, तुम लोगों की यहाँ भी चोरी हुई है? तुम लोगों की यहाँ भी? मतलब ये है कि हम चारों एक ही टाइटैनिक के मुसाफिर हैं। क्या हमारे यहाँ भी सब कुछ चोरी हो चुका है, इसलिए तो हमें इस तरह यहाँ बुरखों में आना पड़ा? हाँ झूठ बोल रहे तुम लोग। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए हम लोग भी कड़के, तुम लोग भी कड़के, तो देर किस बात की, हाथ मिलाओ बढ़के। हेलो, भिखारियों को भीख दी जाती है, उनसे हाथ नहीं मिला जाता, समझे? चलो जी। क्या है? चलो हटो, हमारा रास्ता क्यों रोका है? अब इतनी खूबसूरत लड़कियाँ सड़कों पर अकेली निकले तो हम क्या करेंगे? तो गुंडों का तो हक बनता है कि उनका रास्ता रोके। अबे वो देख, मिली जुली को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं यार, चल उनकी मदद करनी चाहिए। पागल हो गया क्या? वो कौन है? ओके, यू आर फाइन, नथिंग टू वरी। थैंक यू। बोलो। थैंक यू मैम। मेंशन नॉट। वैसे तुम दोनों हो कौन? दो बेसहारा जिनका कोई ठिकाना नहीं। तुम दोनों हमारे साथ चलो। दी बेब्स, बेसहारा एंड ऑल दैट,
टू लिटिल गर्ल्स आओ कम कम ये लोग मिली जुली को लेकर कहाँ जा रहे हैं यार हाँ यार और वो भी गाड़ी में मिस्टर चंदानी ने मरने से पहले अपनी वसीयत कराई थी जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं मैं पवन चंदानी अपने पूरे होश हवास में बिना किसी दबाव के अपना वसीयतनामा तैयार कर रहा हूं मेरी सारी दौलत जमीन जायदाद मेरी दोनों बेटियों कोकिला और कोयना इन दोनों के नाम पर करता हूं लेकिन इस जायदाद को पाने के लिए उन्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी कोकिला और कोयना को अपने 45वें जन्मदिन से पहले पहले मेरा आखिरी अरमान पूरा करना होगा शाम को 6:05 पर पैदा हुई थी दोनों इससे पहले उन्हें शादी करनी होगी तभी ये दौलत उन्हें मिलेगी वरना सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद सारी दौलत ट्रस्ट में चली जाएगी बेब्स व्हाट हमारा बर्थडे तो कल है 15th November is tomorrow. No, 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 never. हम शादी नहीं करेंगे. No way. रफू चक्कर 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 कहाँ जा रहा है? अबे आ तो सही. अबे क्या कर? अबे आइडिया देख मेरा आइडिया. ये देख. रफू चक्कर 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 क्यों बच्चों पहचाना नहीं हमने तो तुम्हें 10,000 पहचाना सामने होता हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारी आंखों के सामने है तो हम दोनों शादी की तैयारी कर ले ऑफ कोर्स जल्दी जाओ गेट अप गो जल्दी कर जल्दी दूल्हा बनना है ये तो हमारी शादी कैसे हो सकती है और वो भी आपसे अरे आंटी आपको पता नहीं इंडिया में बाल विवाह जुर्म है अरे अंदर हो जाएंगी आप दोनों हाँ ये अंदर हो ना हो लेकिन तुम यहीं अंदर सड़ते रहोगे सोच लो फैसला तुम्हारे हाथ में है पंडित जी 7 फेरे हो गए 1, 2, 3, 4, 5 हाँ आ सारी रात जगा दूं सुबह तक होश उड़ा दूं लुटने में भी है एक मजा मस्ती भरी है ये सजा यार पप्पू ये सब क्या हो रहा है यार हमारे साथ हाँ यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बुढ़ियों ने हमसे शादी की क्यों हाँ यार लेकिन इनका जुल्म तो यार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है देखना यार क्या हाल बना दिया है हम दोनों का हाँ यार तू फिक्र मत कर इनकी बैंड अब हम बजाएंगे कैसे है ना आइडिया केदार यार ये सब तामझाम होने का एक फायदा जरूर है कि जब भी तुम लोगों की शादी होगी डेकोरेशन का खर्चा तुम लोग का सॉलिड बचेगा हाँ। हेलो सारा बिल भरना पड़ेगा हमारे होने वाले पति को समझे अरे हाँ। हम पैसे भरने के लिए तैयार है बस ऑन वन कंडीशन कि शादी के बाद तुम दोनों को घर का सारा काम करना पड़ेगा अगर तुम दोनों सीरियस हो तो हम दोनों भी सीरियस हैं इसका मतलब मैं एक बार फिर दूल्हा बनूंगा फिर मतलब अरे इसका मतलब है कि ये सपने में नहीं सच में शादी करना चाहता है क्या इरादा है बनोगी मेरी दुल्हन अरे अरे इसे मत करो बॉम्ब है हाथ में फट जाएगा बॉम्ब क्या अरे अब क्या कर रहे हो
अभी वो देख, नहीं मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। अभी देखना यार, नहीं स्ट्राइक का मतलब हमको तो लोमड़ी मारनी थी, कूदते कहाँ से आ गए? वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? चल 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 यार, जल्दी निकल यहाँ से, अगर बुढ़िया जग गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। घर का बिस्कुट खाने वाला कुत्ता भी वफादार होता है। तुम लोगों को हमने इसलिए पाला ताकि तुम हमारे घर में हाथ साफ करो। तुम जैसे दो कौड़ी के छोकरे सिर्फ एक भाषा जानते हैं। तुम दोनों ने शादी जैसे पवित्र बंधन को एक मजाक बना दिया है, एक सौदा बना दिया है, और आज हम अपने आप को इस पवित्र बंधन से आजाद करने जा रहे हैं। ये रही फाइल। ओह माय गॉड, दिस इज की फाइल। नो रॉबरी, नो रेप, नो मर्डर, सब कुछ जल गया। टेक इट इजी। टी आई लाइक दिस वन आल्सो, दिस या। हाय हाय, मिसेस घोष हैं? नहीं नहीं, कम कम कम, अच्छा अच्छा। हे हाय, बोलो। वो क्या है ना, हम दोनों तुम्हें अपनी जिंदगी की एक सच्चाई बताने आए हैं। एक राज। कैसा राज? वो राज जो शायद हम अपने मुंह से ना कह पाए। तो किसके मुंह से कहोगे? कहेंगे कुछ नहीं, जो कुछ कहना है इस फाइल में लिखा है। ये सच है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, लेकिन इससे पहले कि हमारी जिंदगी और आगे बढ़े, तुम लोगों का ये फाइल पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये फाइल पढ़ने के बाद भी तुम लोग हमें अपनाना चाहती हो तो हम तुम्हारा वहीं पे इंतजार करेंगे जहां हम अक्सर मिलते हैं। लेकिन वो लेकिन लेकिन बाद में सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया था। चल पप्पू। क्या है इसमें? ये तो पुलिस स्टेशन में लिखा गई एफआईआर रिपोर्ट है। इन दोनों के खिलाफ रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, और आज हम अपनी हर गलती सुधारने आए हैं। पेरी जी, ये सब क्या कर रही हो? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपने पतियों के पैर छूकर माफी तो मांग रहे हैं। पति? ये दोनों आपके पति हैं? हाँ, और अगर सब कुछ वर्किंग ऑर्डर में रहा तो फ्यूचर में हम दोनों के बच्चों के पिता भी। झूठ बोल रही है। आप दोनों हमारी शादी पे आए तो थे, है ना? यू चीटर्स, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम लोग, हमें ही नहीं इन्हें भी धोखा दे रहे थे आज तक। अरे मेरी बात तो सुनो। अब कुछ नहीं सुनना है। हमारे पति होकर तुम इन दोनों से प्यार का नाटक कर रहे थे? ए, नाटक नहीं है ये, सच में प्यार करते हैं उनसे। बर्बाद कर दिए तुम दोनों ने हमारी जिंदगी, और आज तुम दोनों की वजह से हमारी मोहब्बत भी हमसे छिन गई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने मर्डर नहीं किया भाई। तो फिर हमें पकड़ा क्यों है सर? हाँ? अरे हम वो इंस्पेक्टर हैं जो मर्डर होने से पहले ही कातिल को पकड़ लेते हैं। सर, हाँ? हाँ? हम कुछ समझे नहीं सर। हाँ? नहीं नहीं नहीं, समझाता हूँ। हाँ? लाइट्स। हाँ? सर ये तो जिंदा है। जिंदा है। सबसे पहले तुम दोनों जोकर्स इन सरकारी कागजात पर सिग्नेचर्स करोगे, और उसके बाद हम दोनों इनसे विवाह करेंगे। जी हाँ, उसके बाद तुम दोनों इन दोनों का मर्डर करोगे और फांसी पर लटक जाओगे। और उसके बाद हम इन दोनों के साथ वॉन्चिंग पोंग करेंगे। सर नहीं। और उसके बाद करोड़ों की जायदाद के मालिक बन जाएंगे। पप्पू मेरे भाई, हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग बहुत बड़ा गेम खेल रहे। यार खेल रहे नहीं, खेल चुके हैं। ये रही असली वसीयत, वो वसीयत नकली थी, और वो वसीयत थी हमारे गेम की पहली बॉल। एक काले कोट काली करतूत दी, तूने हमारी विल बदली। एक काम करना यार प्लीज, मेरे हाथ खोल दे, मैं तेरी शक्ल बदल लूंगी। और उनसे शादी करने का प्लान हमारा था,
ये थी हमारी दूसरी बॉल। और तीसरी बॉल डालने से पहले तुम दोनों साले बीच में टपक पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, देखिए ना यहाँ पर कितने कितने डरावने लोग खड़े हैं। देखिए और सोचिए सोचिए, अगर इनमें से किसी एक ने अपनी जेब में इस तरह से हाथ डालकर इस तरह से बंदूक निकाल ली तो सोचिए क्या होगा सर, क्या होगा। मेरे भाई शाबाश, यू आर द बेस्ट ब्रदर, यू आर द बेस्ट। End of the fight. Hello, hello, babies. Oh God. Wanna live? Please, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए. Please leave us alone, यार. Slightly not possible. अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते. जबरदस्ती है क्या? हाँ? और कौन रोकेगा हमें? तुम? हम. अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ. हम लोगों को सब कुछ पता चल गया है। क्या? और ये भी पता चल गया है कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी? उस दिन 7 फेरे की जगह सिर्फ 6 फेरे हुए थे, वो भी कोकला जी के कहने पे सब किया था मैंने। ये सच कह रहे हैं? यही वो दोनों लड़कियां हैं मिली जुली जिनसे तुम्हारी शादी तय हुई है, और मिली जुली यही है वो दोनों लड़के जिनसे तुम दोनों की शादी तय हुई है। अब जाओ अपने अपने पिताजी से आशीर्वाद लो। आप सच कह रहे हैं? सुहागरात की तैयारी कर।